चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन थोड़ा। ये स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट एसेलेशन फॉर ए टाइम डेल्टा टी, देन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एट फॉर नेक्स्ट टाइम डेल्टा टी टू, एंड विथ ए कांस्टेंट डिसीलरेशन फॉर द नेक्स्ट डेल्टा टी थ्री टू कम टू रेस्ट। 500 न्यूटन मैन ऑन बिहाइंड द ड्राइवर मैनेजेस टू स्टे एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू स्कूटर विदाउट टचिंग एनी अदर पार्ट, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, विच ऑप्शन इज करेंट, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो जब ड्राइव जब पैसेंजर पीछे वाला पैसेंजर जो है अगर रेस्ट पर रहेगा, ओके मोशन मोशन में रहेगा, एस कॉन्स्टेंट एसलेशन से मूव करेगा, तो कॉन्स्टेंट एसलेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है, यहाँ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, फिर एक नॉर्मल फोर्स भी उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है। तो नेट रिएक्शन फोर्स जो हम निकालना चाहेंगे, 500 न्यूटन नॉर्मल है ना, और फ्रिक्शन कुछ फ्रिक्शन भी होगा, बॉडी क्या हो रही है, एसेलेट हो रही है। ओके, तो एसेलेट कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द मैन एंड द सीट। ओके, नेट रिएक्शन जो होगा 500 न्यूटन प्लस 500 स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, ये नेट रिएक्शन होगा, मतलब जो भी फोर्स होगा एसेलेशन भी इतना हो गया। नेक्स्ट टाइम डेल्टा टी टू में क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बॉडी रेस्ट पे है। ओके, तो जब रिटार्डेशन होता है डेल्टा टी थ्री में, तो अब देखिए फ्रिक्शन किधर काम करे, फिर पीछे को काम करेगा, तो नेट इसमें भी क्या होगा, नेट रिएक्शन आर डैश अगर निकालेंगे तो 500 न्यूटन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना। दो दो बार अगर हम रिएक्शन निकाल रहे हैं, दोनों रिएक्शन क्या हो रहा है, सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है, डिफरेंट जो कुछ भी है लेकिन 500 न्यूटन से ज़्यादा आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेस देन 500 न्यूटन थ्रू आउट जर्नी, ये क्या है, सरासर गलत है। 500 न्यूटन थ्रू आउट सरासर गलत है। ओके, 500 न्यूटन थ्रू आउट जो है सो क्यों गलत है भाई, मोर देन 500 न्यूटन थ्रू आउट द जर्नी। ओके, डेल्टा टाइम टी टू में देखिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो मतलब एसेलेशन इक्वल टू क्या है, जीरो, फ्रिक्शन कितना लग रहा है उसमें, जीरो लग रहा है, तो 500 न्यूटन आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसीलिए गलत है। देख लीजिए ए ऑप्शन इसलिए गलत है, लेस देन 500 संभव ही नहीं है। ओके, मोर देन 500 न्यूटन थ्रू आउट द जर्नी, ये भी गलत है। तो डी, फोर मोर देन 500 न्यूटन फॉर द टाइम टी वन एंड टाइम डेल्टा थ्री थ्री सही है, एंड 500 न्यूटन फॉर डेल्टा टी टू एकदम सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, आधा घंटा 15-10 मिनट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ए बॉय ऑफ मास अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स स्लाइड ए बॉक्स ऑफ मास एम डैश ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शूज ऑफ वाई एंड फ्लोर इज म्यू एंड दैट बिटवीन द बॉक्स एंड फ्लोर इज म्यू डैश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट इज नॉट सर्टनली पॉसिबल टू स्लाइड बॉक्स। कौन सा इसमें ऐसा केस है जिसमें सर्टनली नॉट पॉसिबल है बॉक्स को स्लाइड करवाना। ओके बी देखिए, बी ऑप्शन दिख रहा है कर सकता है। बी ऑप्शन में म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश मतलब जो फ्रिक्शन है लड़का के शू और फ्लोर में वो ज़्यादा है। ये केस संभव है, बी बी और डी संभव है। ओके अब सी, सी भी देखिए एक तरह से सी भी सही दिख रहा है क्योंकि एम इज ग्रेटर देन एम डैश, तो एम ग्रेटर देन एम डैश मतलब नॉर्मल फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो सकता है, ये भी केस पॉसिबल है। ठीक है इसको अब लोग डायग्राम से देखते हैं। ओके एक आदमी इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है ना। जब इसको धकेल रहा है, एक लड़का धकेल रहा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है म्यू है ना, म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश, तो बी एंड डी ऑप्शन सही दिख रहा है। और इसके बीच में क्या है बॉक्स और फ्लोर के बीच में क्या है म्यू डैश। ओके तो बी और डी म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं, सर्टेनली पॉसिबल हो सकते हैं। मास छोटा कम ज़्यादा भी हो सकता है, आप सोचो है ना, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है शूज और फ्लोर के बीच में, तो इस केस में संभव है ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है लड़का इसको बॉक्स को हटाने के लिए, इसमें कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन जो है शूज और फ्लोर के बीच ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बॉक्स एंड फ्लोर। ये केस बी एंड डी आप समझ सकते हैं संभव है, मासेस कम ज़्यादा दोनों की हो सकती है बॉयज़ और बॉक्स की है ना। कौन से केस पॉसिबल नहीं है, बी डी में पॉसिबल हो सकता है, सी सी भी आप देख सकते हैं इसमें भी पॉसिबल हो सकता है जब मास बॉयज़ का मास ज़्यादा हो रहा है बॉक्स से, तो इस केस में क्या हो सकता है ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डाउट किस में हो रहा है, ए केस में डाउट हो रहा है और ए में जो है वास्तव में नहीं संभव है बॉक्स को स्लाइड करवाना। द इम्पॉसिबल केस इज ए ऑप्शन, बाद बाकी में पॉसिबल है। ओके देख लीजिए एम डैश बॉक्स की मास भी ज़्यादा है और शूज और फ्लोर के बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन भी क्या है कम है इन कंपैरिजन टू बॉक्स एंड फ्लोर, तो ए ऑप्शन ही सही है, ए ऑप्शन में ही नॉट पॉसिबल है, बाद बाकी ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एफ एन एंड एफ डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स ऑन फ्रिक्शन एग्जर्टेड बाय वन सरफेस ऑन द अदर। ओके इन कॉन्टैक्ट इफ नन ऑफ दिस इज जीरो, इसमें से कोई भी जीरो नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो एफ ग्रेटर देन नॉर्मल फोर्स सही है, एकदम बिल्कुल सही है, एफ ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स ये भी सही है, लेकिन ये वाला केस सही नहीं है, एफ एन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन गलत है। डी ऑप्शन भी एकदम सही है, इसमें एफ एन प्लस एफ से लेस हो सकता है और एफ एन माइनस एफ से ग्रेटर देन ज़्यादा हो सकता है, इस रेंज में भी लाइक करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए ए बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शंस।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को, कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय ए बॉडी ए ऑन अनदर बॉडी बी इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर हो रहा है, इसका क्या मतलब है? सरफेसेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, क्या ये संभव है? मस्ट बी नहीं, मे भी हो सकता था, गलत, सरासर गलत है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडीज इज जीरो, फोर्स जीरो है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, इसलिए तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो रहा है, सही है। नॉर्मल इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, सही नहीं है। ओके, आदमी क्या है वहाँ पे खड़ा है तो टोटल टोटल रुक गया, नॉर्मल फोर्स है तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये भी गलत है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी इज इक्वल टू जीरो, सही है, कोई अप्लाइड फोर्स है ही नहीं। दे मे बी रफ बट दे डू नॉट स्लिप, सही है, ये भी सही है, हो सकता है रफ लेकिन स्लिप नहीं कर रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन जीरो है। ओके, तो सरफेसेस मस्ट वाली कहानी इसीलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट बिटवीन द टू बॉडीज, एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के ऑलवेज, क्या ये सही है? नहीं, हमेशा सही हमेशा नहीं होता। यू एस इज ग्रेटर देन यू के ऑलवेज, सही है, बिल्कुल सही है। एंड एफ एल इज ग्रेटर देन एफ के ऑलवेज, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई। एंड एफ एल इज ग्रेटर देन लेस देन एफ एस, नेवर, कभी भी कम नहीं होता। ओके, तो ये देखिए इन सब का आंसर क्लियर कट आपको दिखेगा। फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आ रहा है 45 डिग्री के लोग, फिर किंक आने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जा रही है। ओके, तो यहाँ हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के ऑलवेज, ये सरासर गलत हो रहा है ना, बहुत सारे पॉइंट एफ के से भी कम आ रहे हैं, ए ऑप्शन गलत है। ओके, तो ए ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन रफ फ्लोर एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट, एफ बाय फ्लोर ऑन इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ एंड ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन देम। उसके बीच में क्या है, ग्राफ प्लॉट किया जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट करके हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन 13 का भी आंसर आप देख सकते हैं, सही है। एफ एल इज लेस देन एफ एस, सही है। म्यू इज ग्रेटर देन म्यू के ऑलवेज, ये भी सही है।